अभी डायलिसिस कितनी चल रही है आपकी? तीन ही चल रही है। तीन। आपको हम वापस अपने घर भेज रहे हैं, हेल्दी स्टेट जहाँ थी, तो आप यहाँ से वापस कितने चले गए ये जज करना है। ठीक। ये नहीं कि कितने और नहीं गए, वो तो हमें मालूम है, बहुत लंबा रास्ता है। तीन डायलिसिस होते हुए और इतनी स्टेज की किडनी पे हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक। मतलब क्या हम कुछ कर पाए हैं? जैसे मोशन है, मोशन के लिए हुआ था, और बीपी जो है तो जैसे वह 200 और 210 तक पहुंच जाता था, वो अभी इस समय आप 160 नहीं पैसे की तरह है। मतलब ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ रहा है? उतना नहीं बढ़ा। गले में आपको हमेशा बलगम फंसा हुआ सा रहता था? वो नहीं है इस समय, उसमें रिलीफ है, ब्लड प्रेशर में रिलीफ है। अच्छा। और जो जरा सी भी स्मेल किचन की आती, छौक की आपको खांसी आती थी? हाँ। वो सब समय नहीं आई? वो इस समय नहीं आ रही, वो एक प्लस पॉइंट है। आप सांस उतने नहीं बोल रहे? घुटनों में जो परेशानी होती थी आपको वो कम है? कम। नींद अब आके स्लाइटली बेटर हुई? कुछ बेटर हुई, स्लाइटली। आप खुद में स्वेलिंग कैसी फील कर रहे हैं? नहीं, कम तो दिखी, हो रही है, कम तो लगी बिल्कुल। रिमेन के ऊपर उससे कोई पानी पूरा निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, उससे नहीं पता लगेगा। अच्छा। पानी जब ड्राई वेट का मतलब होता है कि वो कैसे बताते हैं? जब आपको जब मेरी जो बीपी जो है नीचे हो जाता है। हाँ। और सिर दर्द घूमने हो जाता है। मेन चीज जब बॉडी पानी निकलना अलाउ नहीं करती जी, तो उनको रोकना पड़ेगा डायलिसिस। हाँ, वो बीपी डाउन हो जाता है तो रोक देते हैं। तो वो हर एक का अलग अलग होता है, किसी को पैरों में इतने क्रैम्प्स होते हैं जी कि डायलिसिस, मतलब इसका मतलब क्या है कि पानी, अब डायलिसिस मशीन जबरदस्ती पानी खींच रही है। ठीक है। पानी एक्स्ट्रा है नहीं बॉडी में, जिसको नहीं निकल, उसी को ड्राई वेट कहते थे कि ये ड्राई वेट बन गया। कम है सोडियम, कैल्शियम कम है, सोडियम थोड़ा कम है, कैल्शियम कम है, पोटेशियम थोड़ा बढ़ा हुआ है जी, यूरिक एसिड बहुत कम है, ये अच्छी बात है जी। यूरिया कम हुआ है? यूरिया भी कम हुआ है। यूरिया कम हुआ है, यूरिया कम होना और क्रिएटिनिन कम होना तो ये तो अच्छी बात है जी। ड्राई वेट बढ़ रहा है और उसके साथ में अगर आपकी रिपोर्ट स्लाइटली बेटर भी हो रही है जी, तो ये अच्छा ही माना जाएगा फिर, उसे बुरा नहीं कह सकते। फिर छोटे मोटे सिम्टम कुछ तो इग्नोर करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता जी, तीन डायलिसिस पर वीक के रहते हुए एक हफ्ते में तीन डायलिसिस हो रहे ना आपकी जी, तो सारी चीज़ एक साथ कवर हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। कारण है, डायलिसिस अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा। डायलिसिस मशीन कुछ चीज़ें तो सही कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी भी करती है। मशीन नॉर्मल सिस्टम नहीं है जी, डायलिसिस मशीन नॉर्मल किडनी नहीं है, जो कि किडनी की तरह से छान भी दे ब्लड को और शरीर को स्वस्थ भी रखे। ये आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम जब छानेगा तो दो नई समस्याएं खड़ी भी करेगा जी, जैसा आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है जी, और नेचुरल किडनी अगर कर रही होती तो वो नहीं डाउन होता। तो नेचुरल नहीं है तो आर्टिफिशियल में कुछ परेशानी आती भी है। ठीक। उनको धीमे धीमे अगर कवर करते जा रहे हैं हम, मतलब अगर आपके कष्ट हम कम करते जा रहे हैं और फिर रिपोर्ट को 1% भी बेटर ले पा रहे हैं, तो ये अचीवमेंट है हमारा। ठीक है। मतलब हम इसको ये मानते हैं कि हमने कुछ अचीव कर लिया, हमने कुछ कर पाए कि आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना पाए जी। तीन डायलिसिस पर वीक वाला पेशेंट अपने को थोड़ा कंफर्टेबल फील करे जी, और रिपोर्ट अगर स्लाइटली बेटर हो रही है, इसका मतलब है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, तो एक होप डेवलप हो रही है जी, कि मैं ठीक हो सकता हूँ, कि उससे पहले होप नहीं थी जी, उससे पहले होप नहीं थी ना, उससे पहले तो ये था कि अरे लाइफ यही बन के रहेगी क्या, अभी वीकनेस बहुत थी पहले, वीकनेस बहुत थी जी, मन में भी एक हताशा थी जी, निराश थे आप मुझे जैसा याद है जी, अब होपफुल है जी, लगता तो है कि हाँ मैं कुछ हद तक ठीक हो सकता हूँ जी, माना कि अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहाँ के एकदम से होप हो जाएगा हाँ साहब मैं तो ठीक हो गया, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, कि बहुत क्रॉनिक केस जैसे हो जाए, आप एक लंबा टाइम हो गया उसमें, तो
प्रॉब्लम में रहते हुए एक लंबा टाइम डायलिसिस होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी हम राइट ट्रैक पे हैं आज की डेट।